सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन ले लो, सिलिकॉन ले लो। अभी सब लोग आपको सिलिकॉन कैसे बेच रहे हैं, नीली बोतल या नाम की कॉपी या 789 लिख के? कभी आपने सोचा है कि सिलिकॉन सीलेंट होता क्या है? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमित गुप्ता और मैं आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ कि ऐसे ही एक सिलिकॉन सीलेंट हर जगह यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सिलिकॉन सीलेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितनी टाइप की सिलिकॉन सीलेंट आती है। वैसे तो बहुत टाइप्स है, पर मैं अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करूंगा। हम बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहली क्वालिटी होती है न्यूट्रल बेस सिलिकॉन, न्यूट्रल क्योर सिलिकॉन। दूसरी क्वालिटी होती है एसेटिक क्योर सिलिकॉन। अब एसेटिक और न्यूट्रल क्या सिलिकॉन होती है, मैं आपको समझाता हूँ अपनी सिलिकॉन की मदद से। जनरली जितनी भी सिलिकॉन सीलेंट्स बनती है, जीपी सिलिकॉन जो हम यूज करते हैं, ये एसेटिक बेस्ड सिलिकॉन होती है, एसेटिक क्योर सिलिकॉन। इसका मतलब क्या है एसेटिक क्योर का? जब हम इसे अप्लाई करेंगे, जब ये क्योर होगी, क्योर मतलब जब ये सूखेगा केमिकल, तो ये धीरे धीरे एसिड छोड़ता है। इसकी पहचान क्या है? जब आप इसकी बॉटल काट के सिलिकॉन अप्लाई करेंगे, इसकी स्मेल बहुत एसिटिक होगी, एसिड बेस होगी। अब इस सिलिकॉन का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं? इस सिलिकॉन का यूसेज ग्लास चिपकाने में बहुत अच्छा होता है। ये सिलिकॉन ग्लास पे बेस्ट रिजल्ट देती है, ग्लास के साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है, तो इसे एसेटिक सिलिकॉन कहते हैं। अभी हमारे पास जीपी सिलिकॉन, एसेटिक बेस, ये यही सिलिकॉन है। सेकंड सेकंड मैंने आपको क्वालिटी बताई न्यूट्रल सिलिकॉन। अब न्यूट्रल में हमारे पास तीन तीन क्वालिटीज की सिलिकॉन है। न्यूट्रल बेस होती है जिसमें एसेटिक नहीं मिलावा, मतलब वो इतनी स्मेली नहीं होगी, आप इसे जब काट के अप्लाई करेंगे इतनी स्मेल नहीं आएगी। ये वाली सिलिकॉन वेदर प्रूफिंग के लिए बाहर स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा काम करती है। ये एसीपी, जितने भी एल्यूमिनियम अलग अलग रॉ मटेरियल हैं उनके साथ ये बहुत अच्छे मिक्स करती है, क्योंकि ये एसेटिक बेस नहीं है, ये उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगी। अब इसमें हमारे पास तीन क्वालिटी हैं, इसमें हमारे पास तीन क्वालिटीज हैं। फर्स्ट इज एनपी सिलिकॉन, सेकंड इज डब्ल्यूएस सिलिकॉन, एंड थर्ड इज वी हैव जस्ट लॉन्च दिस सिलिकॉन, हमने अभी लॉन्च करी है वाली सिलिकॉन, एसजी स्ट्रक्चर ग्लेजिंग सिलिकॉन। अब इनमें फर्क क्या है, इनको अगर हमें समझना हो, मुझे आसान भाषा में समझाना हो, जिससे हम रिलेट कर पाए, मैं सोचता हूँ ऐसी चीज है रबड़। आपने देखा है ईपीडीएम रबड़, आपने कभी ईपीडीएम रबड़ यूज करी है? अगर नहीं करी तो ईपीडीएम रबड़ को यूज करिएगा, उसकी क्वालिटी देखिएगा। ये स्ट्रक्चर सिलिकॉन हमारी ईपीडीएम रबड़ है, जो प्योर ईपीडीएम रबड़ आती है ना, उसकी क्वालिटी की टक्कर की है। मतलब इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, दिखने में बहुत अच्छी है, फिनिशिंग आएगी, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत दिनों तक चलेगी, बहुत सालों तक चलेगी। हमारी है सेकंड सिलिकॉन डब्ल्यूएस, ये एक सेमी ईपीडीएम, इसे अगर रबड़ के उससे समझना, जैसे आपने कभी सेमी ईपीडीएम रबड़ यूज करी है, ये सेम सेमी ईपीडीएम रबड़ है। इसकी क्वालिटी एसजी से थोड़ी सी इन्फीरियर है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये सिलिकॉन हम रिकमेंड करेंगे स्मॉल कर्टन वॉल्स में, स्मॉल स्मॉल एसीपी फसाड वर्क्स में, वहां यूज कर सकते हैं ये। थर्ड हमारी सिलिकॉन है न्यूट्रल प्लस एनपी सिलिकॉन। ये मानिए टेम्पू रबड़ हो गई, टेम्पू टॉप क्वालिटी टेम्पू जो आती है ना, ओरिजिनल सिलिकॉन, ओरिजिनल रबड़, ये समझ लो उसकी क्वालिटी की सिलिकॉन है। ये कहाँ, साइनेज में, छोटे कामों में, छोटा साइनेजेस बनती हैं, ये सब उसके लिए, पर्पस के लिए। अब मैं आपको एक टिप देता हूँ कि बिना सिलिकॉन को काटे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ये सिलिकॉन अंदर से कैसे निकलेगी। अभी आपको सिलिकॉन की बोतल काट के देखनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, नुकसान होगा। बिना सिलिकॉन की बोतल को काटे आप कैसे चेक कर सकते हैं? आपसे बहुत सारे लोग आप में जानते भी होंगे कि कैसे करते हैं। जब भी आप मार्केट में सिलिकॉन लेने जाएं, तो सिलिकॉन का ये एक सिलिकॉन कैसे बनती है बताता हूँ आपको। ये सिलिकॉन एक सिंगल कार्ट्रिज होती है पूरी, ये इसके पीछे इसे कहते हैं प्लंजर।
ये प्लंजर इधर से फिल होती है मशीन के थ्रू, और ये प्लंजर लगाया जाता है, ये प्लंजर लगाया जाता है। तो आप कभी भी देखिएगा यहां पे कोई ना कोई सिलिकॉन किसी ना किसी के पीछे लगी पाएगी। ये देखिए जैसे इसमें सिलिकॉन लगी हुई है, तो मैं ये निकाल के दिखाता हूं आपको, ये सिलिकॉन है। अब आपकी फिनिशिंग सिलिकॉन की जो अंदर से जो निकलेगी वो यही सिलिकॉन वाली आएगी। अब इससे आप चेक कर सकते हैं इसे खींच के कि कैसी इलास्टिसिटी है, इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है। एकदम जल्दी तो नहीं फट रही। बीच में एक सिलिकॉन चली थी एक्रेलिक सिलिकॉन, मार्केट में बहुत आ गई थी क्योंकि उसके रेट उसने बिल्कुल कम कर दिए थे। एक्रेलिक सिलिकॉन एक बाथरूम की सिलिकॉन है, वो हम सैनिटरी वेयर में बाथरूम इंडस्ट्री में जैसे ग्राउट आता है ना, जैसे मिट्टी भरते हैं वैसे सिलिकॉन है वो वाली। वो बाथरूम में जब सैनिटरी फिटिंग्स लगाई जाती है, वॉश बेसिन सीट्स, तो उसके गैप्स भरने के काम आती है, उसे पेंटेबल सिलिकॉन भी कहते हैं। पर सब लोगों ने क्या करा कि वही सिलिकॉन 789 नाम डाल के स्ट्रक्चर में बेचनी स्टार्ट कर दी। बहुत सारे फसाड गिरने की शिकायत आई थी। तो वही मैं कहूँगा, कोई भी सिलिकॉन नाम से, उसके कलर से, उसकी बोतल के से, उसके वेट से मत देखिए, उसकी क्वालिटी से देखिए। अभी मैंने आपको एक तरीका बताया, पीछे से सिलिकॉन निकाल लेना, इसको खींच के देखना, इसकी फिनिशिंग देखना। यही यही सिलिकॉन आपकी समझ लो जब अप्लाई करोगे तो यही आएगी। तो ये आप चेक करके देखिएगा सिलिकॉन। बस मैं अभी इस वीडियो में इतना ही आपको समझाना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अपने सुझाव अपने कमेंट्स सेक्शन में जरूर दीजिएगा, जो भी आपको कहना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के शॉर्ट्स के रील्स के टाइम में इतनी बड़ी वीडियो देखी है आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।